ओम तत्सत। कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, तीन बार ओम का जाप करेंगे, ठीक है? दो तीन गहरी लंबी सांस, इनहेल एक्सहेल, तीन बार ओम का जाप करेंगे। दोनों पाम को रब करें और अपने चेहरे पर ओम की ऊर्जा महसूस करते हुए हम आज की क्लास चालू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था पतंजलि योग दर्शन पढ़ने की। पतंजलि योग दर्शन पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है, जब भी आप नेट जेआरएफ क्रैक करके, नेट करके जेआरएफ करके, मैं तो यही चाहूंगा कि जितने बच्चे जुड़े हैं सबका जेआरएफ, जेआरएफ के लिए ही मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाला, मैं भी वही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालो, जो भी नए बच्चे, ठीक है? जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको बेसिक पतंजलि योग दर्शन आपसे पूछी जाएगी। आप चाहे कितना ही अच्छा हर सब्जेक्ट में क्यों ना कर लो, कभी भी अपने को पतंजलि योग दर्शन में कंप्लीट मत मानना। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। पतंजलि योग दर्शन आप चाहे 10 बार 100 बार कितने भी बार पढ़ लो, हर बार एक नया अर्थ आपके सामने कहीं ना कहीं बुद्धि देगी आपको। आपको नई नई चीजें समझ में आएगी जितनी बार पढ़ोगे। मैं जानता हूं आप लोग मेरे से पढ़ने से पहले भी कई बार आप पढ़े होंगे, मेरे बाद भी कोई पढ़ाएगा उससे भी पढ़ना। पतंजलि योग सूत्र कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र ही आपको योग का बेस है। मैंने आपको बताया था, जैसे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, वो हमारा बैकबोन, शरीर को संभाल के रखा है, वो नहीं होगा तो फिर तो चल ही नहीं पाओगे आप। वैसे ही होता है योग दर्शन में। योग दर्शन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप निश्चित ही कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाने से पहले 100 बार घबराएंगे और हो गया, कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, ठीक है? इसलिए इसको सीरियस होकर पढ़िए, ठीक? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? यस सर। आप लोग के लिए मैंने कुछ बनाया है, ठीक है? ओम कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तस्य वाचक प्रणव, ठीक है? तस्य वाचक प्रणव हमने कल पढ़ा था। मैंने कल बोला था कि प्रणव को अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि ईश्वर का वाचक इसे ही कहा है। अंत में जिस तत्व तक जाना है वो उसका वाचक केवल ये ओम तत्व ही बताया है, तो इसको अच्छे से जानना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, है ना, और इसका क्या अर्थ है। आप क्योंकि आप हठ योग भी पढ़ते हैं, आपको हठ योग में भी ओम देखने को मिलता है। आप किसी भी मंत्र को उच्चारण करिए, चाहे वो ऋग्वेद का हो चाहे वो कहीं का भी हो, आपको ये ओम देखने को मिलेगा, ठीक है? ओम को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ईश्वर की परिभाषा कौन से सूत्र में है? 24 में, 24 25 26 इसमें ईश्वर की परिभाषा 24 में है, 25 26 में विशेषताएं हैं, ठीक है? फिर उसका वाचक बताया है 27 में प्रणव को। अभी इस प्रणव के बारे में हम जानते हैं, ठीक है? एक मांडूक्य उपनिषद, जब भी ओमकार का वर्णन आए सबसे पहला होता है आपका मांडूक्य उपनिषद। क्या होता है? मांडूक्य उपनिषद सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है।
ओमित्ये अक्षरम ब्रह्म व्याहारन मामन स्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसका वर्णन है। गीता गीता में भी ओम को किस तरह बताया वो आप जान लीजिए। जो पुरुष यहाँ पुरुष से तात्पर्य आप पुरुष से तो है ही, पर ये जिस पुरुष की बात कर रहा है आप उस गहराई को समझिए, ठीक है। जो पुरुष ओम ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, अर्थात शरीर को त्याग कर कहाँ जाता है, समाधि की अवस्था में, उसी की बात हो रही है। वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परम गति से तात्पर्य वही कैवल्य से ही है ये, इसे परम गति से आप कैवल्य को ही समझ रहे हैं। परम गति अर्थात कैवल्य मतलब जन्म मरण का चक्रण समाप्त। ओमकार को सारे मंत्रों का सेतु बतलाया गया है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंत्र को ओम के साथ उच्चारण किया जाता है। गीता में ओम का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओम ऐसा है, अब एक और मुंडक उपनिषद में आप पढ़ते हैं। प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद द्वयम् सर्वतन्मयो भवेत। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये आप उपनिषदों में भी पढ़ेंगे इसको, ओम को योग उपनिषद में भी देखने को मिलता है और हर जगह ओम का वर्णन आपके देखने को मिलेगा। प्रणव प्रणव अर्थात ओम, ओम धनुष है, जो धनुष होता है ना, धनुष से बाण मारना और लक्ष्य को, कोई भी एक धनुष है, धनुष में तीर होगा उसको बाण बोलते हैं, फिर एक लक्ष्य होगा, ठीक है। तीन चीजें हैं यहाँ पे, धनुष बाण और लक्ष्य, तीन चीजें। तो धनुष क्या है, ओम। ये प्रणव जो है ये धनुष है, आत्मा जो उसमें बाण लगा हुआ है जिसको खींचकर, जिसमें प्रत्यंचय में जो बाण को खींचकर उस लक्ष्य को भेदा जा रहा है, वह प्रत्यंचय में चढ़ा हुआ बाण वो आपकी आत्मा है। अर्थात जो उसके पहले जो बोला था ना, जो पुरुष ओम का उच्चारण अर्थपूर्वक करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं, इसके पहले बताया गया वो इसी के बारे में है, उसी से कोरिलेटेड है। आत्मा को बाढ़ समझा और ब्रह्म को लक्ष्य बनाया और सावधानी से उसे भीदना चाहिए, बाढ़ के सदृश अभ्यासी अपने लक्ष्य में अर्थात ब्रह्म प्राप्ति में तन्मय हो जाए। ये आपको मुंडको उपनिषद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणवो धनु शरु है आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। ओम जो है प्रणव है धनुष तथा आत्मा, धनुष तथा आत्मा है, आत्मा है बाण, मतलब प्रणव धनुष है आत्मा है बाण, और वह अर्थात ब्रह्म को बोल रहा है, ब्रह्म को लक्ष्य के रूप में कहा गया है। उसकी उसको प्रमाद रहित होकर वेदन करना चाहिए। जिस प्रकार सर अर्थात बाण अपने लक्ष्य में विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को उस ब्रह्म में भी तन्मय हो जाना चाहिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओम इज द बो एंड द सोल इज द एरो एंड दैट इवन द ब्रह्मा इज स्पोकन ऑफ एज द टारगेट दैट मस्ट बी पियर्स्ड विद एन अनफॉल्टरिंग एम वन मस्ट बी एब्जॉर्ब इन टू दैट एज एन एरो इज लॉस्ट इन इट्स टारगेट। ये मुंडको उपनिषद में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको पढ़ लो। ओम का वर्णन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और क्या है ओम के विषय में, ओम ओम और आत्मा के बीच में क्या संबंध है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। वर्णे अर्था योनि गतस्य मूर्तिनम दृश्यते नैव च लिंग नाशः सा भूय एवंधेन योगी गृहस्थ बोध भय वै प्रणवेन देहे स्वदेह अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरम अरणम ध्यान निर्मर्थान अभ्यासादम देव पश्येनी गूढ़वत।
ये श्वेता सत्रो उपनिषद में है, देखने को मिलता है आपको श्वेता सत्रो उपनिषद आप पढ़ोगे। अब इसमें बात आती है अरणि मंथन की, अरणि मंथन की बात आती है। सर अरणि क्या होता है? सबसे पहले आपको अरणि बता दूंगी, अरणि होता क्या है। इसमें देखो ये जो देख रहे हो, किसी भी वैदिक यज्ञ में माचिस से या लाइटर से अग्नि उत्पन्न नहीं की जाती। ये देख रहे हो नीचे, ये अधर अरणि है, ये अधर अरणि। इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर की अरणि, इसको क्या बोलते हैं, अधर अरणि के ऊपर उत्तरारणि। ये अधर अरणि है, इसके ऊपर जो इसको रखकर घर्षण किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, वो ये नीचे वाला अधर, ऊपर वाला उत्तर, उत्तर अरणि अधर अरणि, इससे ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। उसमें कोई लाइटर या फिर किसी माचिस का उपयोग करके उन यज्ञों को अग्नि नहीं दी जाती, ठीक है। इसी अरणि से आपको समझाया है कि अरणि क्यों देख रहे हैं। इसमें बोला है जैसा कि अरणि में स्थित भी अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती, इस अरणि में क्या आपको अग्नि दिखाई दे रही है? जैसे इसमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही, परमात्म ज्योति नहीं दिखाई दे रही, वैसे ही वो जो ईश्वर तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, इसमें लीन है, इसमें है। अब करना क्या है आपको, आपको करना है कि आपकी आत्मा को उत्तर अरणि मानकर, और जो ओम है इसको पढ़ ले एक बार, उसके जैसा कि अरणि में स्थित भी अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती और ना ही उसके सूक्ष्म रूप, मतलब अरणि के अंदर उस समय भी अग्नि है, नाश हुआ, फिर अधरारणी उत्तरारणी में और मंथन अर्थात दंड के रगड़ने से ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातों के सदृश आत्मा ओमकार के देह में ध्यान से पहले छिपा हुआ ध्यान अभ्यास से ग्रहण किया जाता है। मतलब आपकी आत्मा में ओमकार रूपी विद्यमान है, ठीक है, ओमकार जो है आपकी आत्मा में है, ठीक। अपने देह को अधरारणी बना लीजिए और ओम को उत्तरारणी। आपका देह कौन सा है? अधर, नीचे वाला, ये नीचे वाला आपका देह है, और जो इस पे ऊपर की अरणी लगती है, ऊपर वाली, ये आपकी ओम होगी, ये ओम और ये देह। इस ओम और देह में जब आप अरणी मंथन करेंगे तो फिर एक ज्योति दिखाई देगी, परम ज्योति को देखें, मतलब एक जो अग्नि दिखाई देती है उस अग्नि को उस परमात्म तत्व से आपको कंपेयर करके बताया गया है, ठीक है। इतना गहराई है इन सब बातों में, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यां पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण पावरणु सत्यं धर्माय दृष्टे। सुनहरा पात्र जो है, सुनहरा पात्र से तात्पर्य क्या है, ये संसार सागर, अत्यंत लुभावने वाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों जगत, इन जगत से ही, इन सारे सुनहरे पात्र से ही सत्य का मुख, सत्य का मुख से तात्पर्य क्या है, उस शुद्ध परमात्म तत्व से है, उस ईश्वर तत्व से जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो ढका हुआ है उसे। हे पूषण मतलब आदित्य अर्थात कारण जगत के अधिष्ठाता ईश्वर, हटा दे सत्य धर्म को, मतलब शुद्ध परमात्म तत्व को देखने के लिए, ये देखने के लिए उस आवरण को हटा दे। इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ का श्लोक है? ईशावास्य उपनिषद। किस किस वेद का है ये? कृष्ण यजुर्वेद है सर, शायद कृष्ण यजुर्वेद सर, कृष्ण यजुर्वेद सर, शुक्ल यजुर्वेद। हे राम, हे राम, राम राम राम। इस ईशावास्योपनिषद में मैंने ट्रिक बताई थी, शायद आप लोग को नहीं बताया, किसी और को बताई होगी। ईशावास्योपनिषद जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ ना कि शुक्ल था कि कृष्ण था कि ऋग्वेद था, देखो ईशावास्योपनिषद में जो ई के बाद सा आता है, ईश, अभी आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, ईशावास्योपनिषद ई के बाद जो सा आता है उस सा से याद रखो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल ऋग्वेद तो होगा नहीं, शुक्ल यजुर्वेद ही होगा जब भी बात आए तो याद रखना, ठीक है। अगर ईशावास्य उपनिषद है तो किससे लिया गया, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, ई और सा, सा में ही आपका शुक्ल यजुर्वेद छिपा हुआ है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसमें, कल जो हम पढ़ रहे थे,
अकार उकार और मकार। ठीक, अभी आपको वापिस उसी स्लाइड में लाता हूं कि आप टॉपिक से भटके नहीं। अभी दिखा रहा आपको, ठीक है। ये देखो जो मेन है हमारा, इसको पूरा विंडो ही कर देते हैं, रुको। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? यस सर। शरीर और स्वस्थ मन, जैसे एक किसका शरीर स्वस्थ मन पूछ रहे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे क्या? कल हमने ईश्वर प्रणिधान आद्वा क्या बताया था? अब कोई एक माइक ऑन करके बताओ, ये व से तात्पर्य क्या है? इसके सिवा मतलब किसके सिवा? आशीष कथित बताइए, ईश्वर प्रणिधान आद्वा में जो व है वो क्या है? आशीष जी कल थे आप क्लास में? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है भाई, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ईश्वर प्रणिधानाद वा में वा क्या है साक्षी कसेरा? तृप्ति जी, ईश्वर प्रणिधानाद वा में जो वा है वो क्या है? किसके सिवा की बात हो रही है? अभ्यास वैराग्य का सर। बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा में जो ये वाह है वो, ईश्वर प्रणिधानाद्वा में जो वाह है वो अभ्यास और वैराग्य की बात हो रही है, ठीक है। इस वाह से ये समझना है, इसके सिवा मतलब अभ्यास वैराग्य के अलावा कोई और उपाय जो है आपका, उपाय प्रत्यय पढ़ने के बाद कोई और उपाय, कोई और ऑप्शन, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मैंने आपको बताया था, क्लेश कर्म विपाक से रहित सर्वज्ञ बीज है, आपको बताया था, जिससे ऊंची कोई वस्तु ना हो, जो गुरुओं का गुरु है, काल भी जिसके काल से भी परे है, कालातीत है, तस्य वाचक प्रणव, अभी आपको बता दिया। अब ओम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आप लोगों को, सुनना। देखो वास्तव में जो हम ओम की ध्वनि करते हैं, अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में ओम की ध्वनि करी, वो बस एक स्थूल रूप से की। वास्तव में जो बताया गया है, यथार्थ रूप से मुख से ओम का उच्चारण करना संभव है ही नहीं। जो हम करते हैं वो बस एक स्थूल शरीर से करता है, उसके भी उससे भी हमें फायदा मिलता है, लाभ मिलता है देखने को, पर वास्तव में जो शास्त्रों में वर्णित है ओम, उसको हम मुख से वर्णित मतलब मुख से उच्चारित नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके तीन गुण, तीन अधिष्ठाता मतलब तीन उपास्य, तीन उपासक, सारा कुछ इसमें विद्यमान है। हर ग्रंथ में आप जाओगे, जैसे कि आप शिव संहिता पढ़ोगे, वहां पे ओम को कैसे बताएंगे? ओम है अ उ म, वहां पे ओम को आ को बोल देंगे शिव, उ को बोल देंगे शक्ति, फिर म को बोल देंगे शिव शक्ति का मिलन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब वो शिव शक्ति का मिलन, मतलब हठ योग में बोलते हैं ना, शिव शक्ति का मिलन मतलब वही तत्व, परमात्मा तत्व, सब कोरिलेट करके चलता है, लॉजिक हर जगह सेम होगा, पर बेसिक क्या है? बेसिक है ये ओम, ईश्वर का वाचक ओम ही है, ठीक है। नाम और नामी का संबंध बताते हुए इसको बताया गया था, तस्य वाचक प्रणव, मैंने आपको बताया था वाचक और वाच्य क्या है। वाचक तो यहाँ पे प्रणव है, पर वाच्य कौन है? ईश्वर है, ईश्वर इसके वाच्य हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं,
इसमें भी दिखाया, देखो गीता में भी जप यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। जप यज्ञ को ओम उस परमेश्वर का वेदुक्त नाम होने से मुख्य है। ये देखिए कि जितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे श्लोक नंबर, इनको गीता में जाइए और खोल कर एक एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। इस कारण यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। इसी वर्णन से श्री राम श्री कृष्ण आदि जितने भी ईश्वर के नाम है उनके जप का भी महात्म समझ लेना चाहिए। मतलब आप साधारण के लिए, ईश्वर तो ओम है, मैंने बताया कि साधारण व्यक्ति यथार्थ मुख से उसका उच्चारण करना संभव नहीं है, पर बोलते हैं ना कि समाधि में बढ़ने से पहले आप धीरे धीरे बढ़ते हो। आगे ही बात आती है यथा भी मत ध्यानाद्वा, जहां भी आप ध्यान कर सकते हैं वहां ध्यान करें। एक होती वितर्क समापत्ति, वितर्क संप्रज्ञा होता है ना, वितर्क। वितर्क में क्या होता है, जहां पे आपका स्थूल विषय के साथ शब्द अर्थ और ज्ञान का संबंध है, तो जिन सब चीजों में आपका मन लग रहा है यथा भी मत है वहां पे करना है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से ओम को ही बताया गया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो ना, वही है। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो जैसे कि कुछ चीज है वो नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो आप अपने से ही उसमें इंटरवेंशन में कुछ ना कुछ अपने से क्रिएट कर देते हो, बाद में उसको बाद में मेंशन कर देते हो कि सर हमने इसकी जगह ये किया हुआ है। मतलब कुछ चीजें हम कर लेते हैं, मान लो घुटने में दर्द है, हम उसको बिठा के ही कर दिए प्राणायाम। प्राणायाम हम नॉर्मली पद्मासन लगा के करते हैं, पर मान लो अगले के घुटने में दर्द है, घुटने के जोड़ों में बहुत दर्द है, संधिवात है उसको, तो फिर क्या करेंगे हम उसको बैठे बिठाए कर देंगे। तो वो अपने से आपने जो इम्प्लीमेंट किया उसी की बात हो रही है, मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता इसका वर्णन। ठीक है, तत् जपस्तदर्थ भावनम। अब इसको देखते हैं, उस ओमकार का जप, तत् जपस्त मतलब उस ओमकार से है, तत् जपह, ये जो इस लगा है यहाँ पे विसर्ग संधि है, ठीक है, अपने संधि विच्छेद सीखो। तत् धन ज तज्ज, ठीक है, तत् धन जप तत् जप। अब तत् जप से यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, फिर तत् लग जाएगा, तो तत् जपस्थ हो जाएगा, ठीक है। संधि विच्छेद होती है यहाँ, अपने से किया करो इसको। तत् जपस्थ दर्थ भावनम मतलब उस ओमकार का जप, द में अ है तो अर्थ भावनम, अर्थ स्वरूप उसकी भावना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। साधक को ईश्वर के नाम का जप उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। 23, 24, 25 में आपने क्या देखा ईश्वर को, 23, 24, 25 में हमने ईश्वर के स्वरूप को जाना, कालातीत है, कैसा है, सब कुछ जाना, उसी की बात हो रही है। वास्तव में 24, 25, 26 में जो भी आपको ईश्वर के गुणों को बताया गया है, यहाँ पे जो भावना करने को बोला है अर्थपूर्वक, वो अर्थ कहाँ से आ रहा है, इसी में जो पहले आपको बताया है योग दर्शन में 24, 25, 26, उसको अच्छे से जानकर अर्थों की भावना के साथ ओम का जाप करना चाहिए। ईश्वर के गुणों की भावना की जाए, फिर ओम का मानसिक जाप एकाग्रता वृत्ति के साथ किया जाए, यही सूत्र 23 में बतलाया हुआ ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, क्लेश कर्म कर्म फल वासना के संस्कार जो बंधन और जन्म और मृत्यु के कारण है, चित्त से धुल जाएंगे जब आप अर्थपूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। इसलिए ओम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम बढ़ती जनरेशन, धर्म, जितने भी चीजें बढ़ी आगे चल के ओम, ये शब्द ध्वनि थी पहले से ही विद्यमान। जैसे कार्य में कारण विद्यमान होता है, आपके शरीर में भी ओम है। जब आप पूर्ण रूप से कंप्लीट मौन हो जाओगे तो वो आम ओम की ध्वनि, प्रणव की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इस संसार में भी ओम की ध्वनि पहले से ही विद्यमान है, उसको ही बताया जा रहा है, ठीक है। ओम की ध्वनि पहले से ही विद्यमान है, सुनने के लिए बस चाहिए क्या, एकाग्रता, जो हमारे पास नहीं है। सर वही बिग बैंग थ्योरी, हाँ बिग बैंग थ्योरी कार्य का कारण में विद्यमान होता है, उसकी चर्चा करेंगे आगे। यह भावना बार देखिए बताए ना, क्लेश कर्म कर्म फल वासना के संस्कार जो भी बंधन है, जन्म मृत्यु का कारण,
वो सारा कुछ भूल जाएगा जब आप चित्त को सब ओर से निवृत्त करके इस ओमकार का जप, अब आप खुद से इमेजिन करो कि जो जप कर रहे हो, ये जप करना किस तरह का ध्यान होगा, तो किस तरह की समाधि हो सकती है, ये खुद से समझो। ओमकार के जप करना क्या अंतिम स्थिति हो सकती है? जप कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये बताइए मुझे। शाब्दिक, मानसिक, वाचिक। शाब्दिक, मानसिक, वाचिक। एक उपांशु भी मैंने कहीं सुना है। उपांशु सर, उपांशु जिसमें मतलब हम लिखसिन करते हैं। देखिए जो ओमकार का जप, यदि नॉर्मली आप ओम 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 कर रहे हैं तो क्या संभव है क्या कि कंप्लीट इसी ओम में आप वहां उस ओम तत्व तक पहुंच जाएं? नहीं है। वो शब्द अर्थ और ज्ञान से मुक्त अवस्था है, उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान नहीं होते। ये बताया है ना शुरू में आपको, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। ओम का जाप करना जरूर बोला है, ठीक है, ओम का जाप करते करते साधक स्टार्ट तो जरूर शब्द से ही करेगा, परंतु स्टार्ट में मैंने बता दिया इसको मुख से बोलना इतना संभव नहीं है। देखिए जैसे जैसे ओम पहले से विद्यमान था, समय बदलता गया, ओम जो था मध्यवर्ती देशों में गया, तो ओम ओमीन ओमीन हुआ, ओमीन से अमीन अमीन हो गया। और हम भी अपने आप को देखें तो ओम को ओम ही तो बोलते हैं, ओम ओम ही बोलते हो ना, ओम थोड़ी होता है, अ उमा होता है। ओम को हमने खुद ओम बना रखा है, मतलब बढ़ते जनरेशन, बढ़ती चीजों के कारण ये सब चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं, हम खुद उसके अर्थ को बदल देते हैं। सबने बदला है, इसमें बोला है उसके अर्थ पूर्वक अर्थ स्वरूप भाव का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताया आगे, ये जो भावना आपको बताई है, इस भावना में क्या होता है, सात्विक शुद्ध ज्ञान के संस्कार उदय होते हैं। सात्विक शुद्ध ज्ञान मतलब आप कौन से चित्त की भूमि में पहुंच गए, वो विवेक ख्याति वाली। सात्विक शुद्ध ज्ञान वहीं पे उठा था, सात्विक शुद्ध ज्ञान एकाग्रता भूमि में, चित्त की एकाग्रता भूमि मैंने आपको बताई थी, एकाग्रता के बाद निरुद्ध आता है। तो सात्विक ज्ञान कहाँ पे था, उसी एकाग्रता में, एकाग्रता चित्त की भूमि में था। सात्विक शुद्ध ज्ञान इसी ओम से उत्पन्न होने लगता है, केवल ईश्वर ही ध्येय रह जाता है। यह भावना करके जब बार बार अभ्यासी इतना दृढ़ हो जाए कि ओम शब्द के साथ ही उसका अर्थ ईश्वर का स्वरूप भी स्मरण हो जाए, जैसे कि आपको मैं बोलता हूं गाय, गाय बोला मैंने, गाय बोलने से आपके दिमाग में क्या आया, चार पैर एक पूंछ प्यारी सी गाय, यही दिमाग में आया ना। गौ शब्द से क्या दिमाग में आया आपके, वही गाय का स्वरूप याद आया। वैसे ही अर्थ स्वरूप ये है यहाँ पे दात पर, कि ओम शब्द आपने नाम लिया और तुरंत ओम का जो स्वरूप है अर्थात उस परमात्म तत्व का स्वरूप है तुरंत आपके अंतःकरण में। वैसे तो अंतःकरण से परे की चीजें हैं ये सब, बियॉन्ड है इन सब चीजों के। बुद्धि जो होती है हमारी, कुछ ना कुछ हमसे खुद ही निश्चय करवा देती है, हम खुद से अपना ध्यान क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं ओम ध्यान करो, जब तक बुद्धि के अनुरूप चल रहे हो आप खुद से अपने लॉजिक बनाओगे, अपने खुद से आप अपने कॉन्सेप्ट बना के प्रिंसिपल बना के, क्योंकि बुद्धि का काम है भाई निश्चय करना, वो आपको ऑप्शन देते रहेगी, उसका काम ही है। तो ये याद रखो भाई, जो ओम है वो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब चीजों से परे है, नॉर्मल चीज नहीं है ये। केवल ओम बोलना और इसको महसूस करना, बहुत चीजों में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है या फिर ऊपर से जा रही है आप लोगों के, कोई बता दीजिए। सर मेरा एक प्रश्न है, जो ओम जब हम बोलते हैं ना, चैंट करते हैं, तो एक सही तरीका क्या होता है, कुछ ऐसा भी है क्या कि ओम को हम आगे चल सक देखेंगे कि ओम को जाप कैसे होता है, ठीक है। सर एक ना सदगुरु जी करवाते हैं, वो जो तीन शब्द होते हैं ना आपने बताया आ उ अम, तो उनका मैंने सुना है वो ना परफेक्टली मतलब पता लगता है कि आ ओ मा करके जिस तरह से बोलते हैं। हाँ तो यही तरीका है असली ओम को उच्चारण करने का, अगर आप वाचक तरीके से कर रहे हैं तो। वाचक तरीके से कर रहे हैं, इसमें भी रेशियो होता है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बताइए, मैं एक बात बोलूं क्या? आ जब हम उच्चारण करेंगे ना, नाभि के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, मैंने लगेगा हमको, मैंने लगना चाहिए
वो वाइब्रेशन मैंने मेरे को जैसे पर जैसे मैंने जितना पता है, और ऊ जब हम ये करेंगे नाभि के नीचे से नाक तक जाता है ना ओम, ना ना हाँ यही जानते। अ उ जब करेंगे वो जो अनाहत चक्र हमारा है ना वो जो में वो वही में लगेगा वो माने उच्चारण उ करने से, और म करने से हमारे जो विशुद्धि चक्र से उठो माने उसमें से उत्पन्न होगा ठीक ठीक ऐसे। बहुत मैं बढ़िया तो ऐसे ही लगता है जब बहुत। हमारा मैंने पहले हम जीव जीव कर मैंने कट कर जाएंगे हम एक तीन शब्द आराम से उच्चारण कर पाएंगे। जीव नहीं होता तो मैंने हमारा वो तीन शब्द हम ऐसे ही उच्चारण कर पाएंगे, और कुछ मैंने जीव तो लगना पड़ता है ना शब्द उच्चारण करने के लिए, पर वो में से नहीं लगता है जीव मेरे को जितना पता है। थैंक सही है, सही जानते हो आप। अगर यू। हमारी जीभ नहीं होगी तो हम ओम ही उच्चारण करेंगे, वास्तविक बात यही है, क्योंकि ओम पहले से ही विद्यमान है, यही चीजें बताई जा रही है। ठीक है, अब इसमें बात आती है आगे। अब देखिए, जो आपको मैं समझा रहा हूं बात जागृत स्वप्न सुषुप्ति की, जो आप कर रहे हो और जो करना चाहिए, वो जागृत अवस्था में स्थूल जगत में स्थूल शरीर का जो व्यवहार चल रहा है, अभी आप जागृत हो, स्थूल जगत में आपका व्यवहार चल रहा है, तो वह आत्मा के सन्नि मात्र से है, सन्नि मात्र, सन्निधि मात्र से है, अर्थात स्थूल शरीर के साथ आत्मा का जो सबल स्वरूप आप देख रहे हैं, जो भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, वो विश्व है। विश्व तेजस प्राज्ञ हर जगह पढ़ोगे, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर हर जगह पढ़ोगे, वो विश्व को जान लो, विश्व क्या है, विश्व सबल आत्मा का स्वरूप है, किसके साथ, स्थूल जगत के साथ जिसमें हम अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। ठीक है, जागृत अवस्था में होगा वो। फिर स्वप्नावस्था की बात आती है, स्वप्नावस्था में क्या होता है, स्वप्नावस्था अर्थात संप्रज्ञात अथवा संप्रज्ञात समाधि में, अभी स्थूल जगत था, अब सूक्ष्म जगत की बात होगी, सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीर का व्यवहार चल रहा है आत्मा के साथ, तो आत्मा के सबल स्वरूप की संज्ञा जो सूक्ष्म शरीर के साथ मिश्रित है, वो आपकी तेजस अवस्था होती है। समझ में आया, स्थूल के साथ विश्व, सूक्ष्म के साथ आत्मा की संज्ञा, तेजस। फिर सुषुप्ति अवस्था की बात करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जो कारण शरीर में अभाव की प्रतीति होती है, अर्थात अस्मितानुगत समाधि में जो अस्मिता का अनुभव आपको होता है, अस्मिता में क्या होता है, चित्त और आत्मा अलग अलग है, मतलब विवेक ख्याति उत्पन्न जहां होती है, मतलब विवेक ख्याति में जब आप पता चल जाता है कि चित्त और आत्मा भिन्न भिन्न है, ठीक है, चित्त की आत्मा से भिन्नता आपको वहां प्रतीत होती थी विवेक ख्याति से, वो सुषुप्ति अवस्था में है, वह भी आत्मा के सन्नि मात्र से ही है, वह कारण शरीर के साथ संबंधित होने से आत्मा का कौन सा रूप होगा, अंतिम विश्व तेजस, और अंतिम होता है प्राग। आप हर जगह पढ़ने वाले, एक जागृत से, एक स्वप्न से, एक सुषुप्ति से, ठीक है, इन तीनों में भी जो स्वरूप है वो निर्गुण शुद्ध नहीं है, इनके बाद भी इनमें प्रकृति के गुण मिश्रित हैं, इनके बाद जो अवस्था आएगी वो होगी स्वरूप अवस्था की। ठीक है, अब देखिए, ये आत्मा के तीन रूप आपने देख लिए, अब इस जगत के, मतलब पर पहले तो आपने आत्मा को बता दिया, अब परमात्मा को बता दूं मैं, स्थूल जगत के साथ परमात्मा का जब सबल स्वरूप होगा तो वो विराट होगा। तीन चीजें पहले आत्मा की जान लीजिए, पहली कौन सी है, पहली है विश्व, आत्मा का पहला विश्व, आत्मा का दूसरा तेजस, आत्मा का तीसरा प्राज्ञ। फिर परमात्मा की बात करें, परमात्मा का पहला है हिरण्यगर्भ, दूसरा दूसरा कौन सा है, पहला है विराट, बोले स्क्रीन उसमें पीडीएफ में नहीं है ना वो जो चार्ट था आपने, या इससे बगैर पढ़ा मैं बता रहा हूं ना, ये आपको है नॉर्मली बता दे रहा हूं, अभी मैं जो थोड़ा आप पढ़ रहे हैं ये मतलब इस बुक में जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें तो कनेक्शन नहीं है ना ये आपको सर। पढ़ना हाँ पड़ेगा ये ओम में। चार्ट ठीक है है, देखिए ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये विश्व तेजस प्राग, ये आपको योग उपनिषद में भी मिलता है देखने को, पर वहां पे वो क्लियर नहीं होती चीजें, अभी आप पढ़ लोगे तो जब योग उपनिषद आपको पढ़ाया जाएगा, जब याद करने कहा जाएगा, तो केवल आपको वहां याद करना होगा,
वहां पे ये चीजें आती हैं, विश्व तेजस प्राग, विराट हिरण्यगर्भ, ईश्वर, और कोई पढ़ा होगा योग उपनिषद तो उसको याद होगा ये सब चीजें आती हैं। मैं आपको चार्ट से समझा दे रहा हूँ, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ लो। यहाँ उपास और उपासक की बात हो रही है ना, तो ये जो विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर है ये उपास है, अर्थात जिसकी आप उपासना कर रहे हो उस ईश्वर की, ईश्वर तत्व की। किससे कर रहे हैं? उपासक कौन है? ये आपकी आत्मा, आत्मा का स्थूल स्वरूप है विश्व, सूक्ष्म स्वरूप है तेजस, और कारण शरीर है प्राग्ञ। अब उपास्य अर्थात ईश्वर का स्थूल स्वरूप है विराट, उपास्य का सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, और कारण शरीर है ईश्वर। उस कारण शरीर तक ही तो आपको जाना है। आत्मा से परमात्मा का मिलन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, उपासक आत्मा है, उपास्य परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अकार में जागृत अवस्था, उकार में स्वप्न अवस्था, मकार में सुषुप्ति अवस्था, और फिर जो अंत में ओम होता है वो तुर्यातीत होता है। अकार में सत, उकार में रज, मकार में तम, और फिर जो मात्रा रहित इति विराम जिसको बोलते हैं, चौथा पैर जो होता है ओमकार का वो मात्रा रहित होता है, ठीक है, वो तुर्यातीत होता है। मतलब वो तुर्यातीत भी होता है, गुणातीत भी होता है। अकार का स्थूल रूप, उकार का सूक्ष्म रूप, और मकार का कारण रूप। अंत में जो मात्रा रहित ओम होता है उसका शुद्ध परमात्म तत्व, शुद्ध परम तत्व जिसको हम जानते हैं। उपास और उपासक मैंने आपको बता दिया। काल की बात करें, काले नान अवच्छेदात, भूत भविष्य और भूत भविष्य और वर्तमान, ये तो आप जान रहे हो कि अकार उकार मकार में है, परंतु कंप्लीट ओम जो मात्रा रहित है, जो वास्तव में वो है, वो कालातीत है। आप केवल इस ओम तक की कल्पना कर सकते हैं जागृत अवस्था में, ठीक है। ऐसा समझिए, आप आगे पढ़ोगे, आगे जब पढ़ोगे तो कोई नहीं बताएगा, इसलिए बता दिया, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, एक बार देख लेना। अब फिर से हम आते हैं इसमें, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? सर एक बार रिकॉर्डिंग और पीडीएफ देखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत अच्छे से तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा और रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि ओम को गहराई से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके स्वयं के लिए, टॉपिक के लिए तो है ही। अगर ईश्वर का वाचक प्रणव है तो प्रणव है क्या वास्तव में, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुंडक मांडू के हर जगह पाओगे आप, देखने को कहीं नहीं जाने वाला छोड़ के आपको। ये ओम आपका साथ पूरे योग उपनिषद चाहे आप पूरा योग का सिलेबस कंप्लीट क्यों ना कर लो, ओम आना ही आना है। आप जब जाओगे प्रणव जप में, प्रैक्टिकल योगा में, वहां पे भी ओम आना ही आना है। प्रैक्टिकल कराओगे वहां पे भी ओम आना ही आना है। इसलिए ओम का जो जाप करते हैं उसमें अ उ और मा तीनों को बोलते हैं। कभी भी ओम लिखने को बोले तो ओ और एम मत लिखो, ए यू एम लिखो हमेशा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जी सर। यस सर। जैसे कि कुछ चीजें होती है ना, चंदन जी आप किसके बेटे हो? सर मम्मी की। आपको जब किसी से कोई पूछा जाता है आप किसके बेटे हो, आप किसके पुत्र हो, नॉर्मली आप अपने पिताजी का नाम लेते हो, लेते हो ना? यस सर। किसी से भी कोई पूछता है आपके पिता, आपके मतलब आपके पिताजी कौन है, आप किसके पुत्र हो, तो आप अपने पिताजी का नाम लेते हो। जबकि ये सब चीजें बाद में आई हैं अंग्रेजी सभ्यता के अकॉर्डिंग, पहले माता का नाम से, माता के नाम से ही जो पुत्र होता था उसको जाना जाता था, कौशल्या नंदन, है ना, इतनी सारी चीजें एग्जाम्पल है। श्री कृष्ण का ले लो, राम का ले लो, जितने भी थे महापुरुष सबका माता के नाम से ही नाम आता था, ये बाद में जुड़ता गया, ठीक है। वैसे ही है ये ओम, ओम को लोगों ने बदल दिया है, आप लोग बदलिएगा मत, ओम को अ उ मा से ही जानिए हमेशा, ठीक है। अभी आते हैं इसमें। अब जब ओम की आपने अच्छे से ईश्वर के नाम जब से आपने ईश्वर के चिंतन कर लिए,
जैसे मैंने आपको ईश्वर के नाम का अर्थ बताया, केवल स्थूल रूप से सूक्ष्म कारण शरीर में मैं भी नहीं जा सकता। जहां तक मेरी प्रज्ञा जा सकती थी, मेरी बुद्धि जा सकती थी, मेरी कल्पना जा सकती थी, जो भी आप्त ज्ञान मैंने पुस्तक से पढ़ा है वो मैं आपको बता दिया, वो सब बियॉन्ड आपके एक्सपीरियंस के हैं। अब उसके बाद यदि आपको वो ईश्वर नाम, जब से ईश्वर का स्वरूप का चिंतन मिल भी गया, तो उसके फल क्या होंगे? यदि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली ईश्वर के नाम, जब को आपने सिद्ध कर लिया, जैसे गाय के नाम से गाय का स्वरूप आपने बना लिया, ईश्वर के ओम नाम से आपने ओम का स्वरूप आपने देख लिया, मतलब उस ईश्वर तत्व को आपने देख लिया, तो फल क्या होगा उसका? ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्च। उस साधन से, मतलब उस ईश्वर तत्व के जो आप जप कर रहे थे, उस साधन से क्या होगा? विघ्नों का अभाव हो जाएगा, विघ्नों का अभाव। और प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, यहां चेतना से तात्पर्य आत्मा से है, क्योंकि चित्त और पुरुष को मैंने बताया ना कि आप सूक्ष्म शरीर में ही चित्त और पुरुष को जान लेते हो। सूक्ष्म शरीर में मैंने बताया था विवेक ख्याति उत्पन्न होती, ठीक है? सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में तो जो हम कर रहे हैं नॉर्मली, वो सूक्ष्म शरीर में आपकी विवेक ख्याति जागृत हो जाती है। तो विवेक ख्याति जब जागृत होती है, तो आपको चित्त और आत्मा का भेद जो मिलता है ना, वही है, इसी को बता रहे हैं यहाँ पे। अंतराया भाव, विघ्नों का अभाव हो जाता है। और प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अप्यंतराया भावस्य, मतलब अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, मतलब आत्मा का, जो आपकी आत्मा अंतर है ना, उसका ज्ञान आपको हो जाता है। ये दो चीजें ओम के जाप से आपको प्राप्त होती है, ठीक है? ईश्वर के भजन स्मरण से अपने आप ये सारी चीजें नाश हो जाती हैं, और दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान होकर केवल अवस्था की, केवल अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। यह निर्भीक समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है, ठीक है? अब इसमें प्रश्न आपका आ रहा होगा कि अगर महर्षि पतंजलि ने, अगर आप होते यहाँ पे, तो आपको प्रश्न आ रहा है कि 29 के बाद 30 कैसे आएगा? अंतराय आ गए, अधिगम आ गया, चेतना आ गई, इसमें एक शब्द आता है अंतराय। फिर प्रश्न उठता है कि अंतराय क्या होगा? अगर इसको देखने से, ईश्वर के स्वरूप को, ये ओम के जाप से, परम ओम के जाप से यदि आपका अंतराय समाप्त हो रहा है, तो अंतराय क्या होते हैं, जिनको विघ्न बोला है? फिर विघ्न की बात आती है। विघ्न क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शना, लब्ध भूमि, कत्वान, अवस्थि तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ठीक है? क्यों आया, पढ़ना क्यों पड़ा? क्योंकि उस सूत्र में बताया, क्योंकि आपके विघ्नों का अभाव हो रहा है और आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तो प्रश्न उठता है ना कि विघ्न क्या होते हैं। तो 29 यदि आपको याद है तो याद रखना, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, चेतनाधिगमो अप्यंतराया। तो जो अंतराय की बात हुई है, विघ्न की बात हुई है, विघ्न को जान लो, व्याधि से लेकर अनवस्थित तत्व तक, ये आपके विघ्न हैं। कितने हैं? 9, ठीक है? इस सब याद होना चाहिए आप लोगों को। अब बात आती है कि व्याधि क्या होता है। व्याधि आपकी शारीरिक कोष से संबंधित है, शरीर, इंद्रिय समुदाय, चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है ना? आपके शरीर में कोई भी विकार आ जाए, इंद्रिय फोकस नहीं हो रही आपकी, कहीं यहाँ वहां चित्त के, ये जो शारीरिक व्याधि की बात होती है ना, ये उस व्याधि से ऊपर की बात है। वैसे तो पूरा पतंजलि योग दर्शन सब आपका उस पार है, उस पार मतलब इस वास्तविक दुनिया में हम इसको कोरिलेट करते तो हैं, पर ये वास्तव में जो ईश्वर तत्व तक की बात है, ये उसकी बात है। अब आप साधना में लगे हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, इंद्रिय समुदाय अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, बाहर की ओर बहिर्मुखी है, चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, चित्त में मतलब मन बुद्धि अहंकार में किसी प्रकार का विकार आ जाना, ये व्याधि है, ठीक है? फिर व्याधि के बाद स्त्यान आता है। स्त्यान को एक शब्द में याद कर लो, अकर्मण्यता। क्या याद करोगे? स्त्यान क्या है? अकर्मण्यता। अकर्मण्यता में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। स्त्यान जानने के लिए एक शब्द में अकर्मण्यता याद कर लीजिए आप। अकर्मण्यता मतलब कर्म,
अब अकर्म क्या होगा? साधनों में प्रवृत्ति ना होने का स्वभाव अकर्मण्यता कहलाता है। इस ज्ञान के बाद आता है संशय। संशय क्या होता है? नॉर्मली संशय से बहुत संशय हो रहा है। संशय मतलब संदेह होना, डाउट होना। किसमें डाउट होना? आपकी स्वयं की शक्ति में। नहीं, मैं इतना, आपकी स्वयं की शक्ति में ही खुद डाउट होना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको आप नॉर्मली भाषा में बोलते हैं वो होना, और क्या, संदेह होना, ये योगा जो मैं कर रहा हूं इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं ऐवे हवा में कर रहा हूं, ये योग के फल में संदेह यदि आपको हो रहा है, जहां पे डाउट क्रिएट हो रहा है वो संशय कहलाता है। संशय के बाद आता है प्रमाद। प्रमाद शब्द में कैसे कैसा लग रहा है आपको? नॉर्मली प्रमाद रहित होकर बोलते हैं ना, प्रमाद, लापरवाही, प्रमाद रहित होकर करिए, प्रमाद रहित होकर करिए। प्रमाद से तात्पर्य है योग साधना में अनुष्ठान की अवहेलना ना करना, मतलब लापरवाही ना करना। प्रमाद भी एक आलस्य का रूप ही है। आलस के कारण ही हम उसमें बेपरवाही करते रहते हैं। यदि आप आलसी हैं तो आप अपना काम टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे। आलस्य का ही एक रूप है प्रमाद, पर थोड़ा सा अंतर है, वो देखिए आप। इसमें योग के अनुष्ठान की अवहेलना, बेपरवाही करना, ये प्रमाद है। फिर आलस्य क्या है? आपके शरीर में तमोगुण हमेशा से ही बेकार चीज है। तमोगुण मतलब निद्रा वृत्ति को बढ़ाने वाला विकार, हमेशा निद्रा मतलब आलस्य को बढ़ाने वाला विकार। यदि तमोगुण आपका बढ़ गया है तो तमोगुण के बढ़ने से चित्त और शरीर दोनों ही आपका भारी हो जाएगा। चित्त भी भारी, मन भी भारी। कैसे रहोगे आप? कोई क्या समझा रहा है? अभी भी कुछ लोग तमोगुण ही बैठे होंगे, निश्चित ही बैठे होंगे। तमोगुण होने के कारण चित्त और शरीर में जो भारीपन हो रहा है उसके कारण ही आलस्य प्रवृत्ति जन्म लेती है। आलस प्रवृत्ति जन्म लेना ही यहाँ पे आलस्य बताया है प्रमाद अंतरायों के भीतर, पांचवा अंतराय। आलस के बाद आता है अविरति। अविरति विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। किसी भी विषय के साथ आपका संयोग हो रहा है, या आइसक्रीम के साथ अगर संयोग हो रहा है आपका, तो आइसक्रीम से आपकी आसक्ति होनी संभव है, हो ही जाएगी। अब आपको उसमें आसक्ति होगी, आइसक्रीम खाने में अच्छा लग रहा है, तो अब कोई आइसक्रीम छोड़ने को बोलेगा तो आप नहीं छोड़ोगे। वो ना छोड़ना आइसक्रीम को वैराग्य का अभाव कहलाता है। नहीं छोड़ रहे आइसक्रीम, नहीं छोड़ रहे रसगुल्ला, क्योंकि पहले खा लिया है, भोग लिया है, अच्छा लगा था, तो वैराग्य का अभाव हो गया। और जस्ट अपोजिट, वैराग्य का अभाव हो जाना अविरति है। तो वैराग्य का हो जाना क्या कहलाएगा? विरति। अविरति और विरति में ये अंतर है। अगर वैराग्य का अभाव हो गया है आपका, उसमें छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है आपको, तो वो अविरति है, अवैराग्य है। यदि आपका अभाव समाप्त हो गया, वैराग्य का भाव आ गया, तो वो विरति बन जाएगा। विरति से आप अविरति को याद कर लो। विरति में वैराग्य छिपा हुआ है, अविरति में अवैराग्य। अवैराग्य को एक शब्द में बोलेंगे, वैराग्य के अभाव को एक शब्द में बोलेंगे तो अवैराग्य। सर आपके कहने का मतलब है अविरति तो हो रही है लेकिन डिटैचमेंट नहीं हो रहा फुली। डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट तो आपको तब देखिए। हाँ जी, किसी चीज से आप कनेक्ट हो रहे हो, उसमें डूब जा रहे हो, तो वो अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, जो लिखा है वही बता रहा हूँ। वैराग्य का अभाव लिखा है। वैराग्य का अभाव, वैराग्य क्या है? उन सब चीजों को छोड़ना था आपको, वो सब आपने चीजें छोड़ी नहीं, उसी का अभाव ही वैराग्य का अभाव है। वैराग्य का अभाव इज इक्वल टू अविरति, वैराग्य का अभाव इज इक्वल टू विरति। वैराग्य का अभाव इज इक्वल टू अटैचमेंट, वैराग्य का अभाव इज इक्वल टू डिटैचमेंट। आया समझ? जी सर।
सिंपल में विरति मीन्स अट्रैक्शन ना होना ऐसा ही है। हाँ, विरति मतलब अटैचमेंट ना होना, अविरति मतलब अटैचमेंट होना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या, इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप लोग, पता नहीं। वैराग्य जी होना अच्छी चीज है या बुरी? अच्छी, अच्छी 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 सर अच्छी है। वैराग्य नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? पुनः संसार जो विषय है उसमें आकर्षित हो रहे हैं तो मतलब दोबारा आकर्षित हो रहे, ये क्या अटैचमेंट कहलाएगा? अविरति कहलाएगा। अब। वैराग्य को विरति से याद रखो, अवैराग्य को अविरति से याद रखो, बस। जैसे ईशावास्य उपनिषद में कौन से सॉरी वेद से लिया है याद नहीं आया था, उस टाइम के लिए ट्रिक दे रहा हूं आपको। वैराग्य को विरति से, अवैराग्य को सॉरी वैराग्य का अभाव हो जाना अविरति, और वैराग्य आ जाना विरति। ठीक है, पूछूंगा थोड़ी देर बाद, पूछूंगा, अच्छे से सुने होगे तो ठीक है, अपना पता चल जाएगा। अब देखो, बात आती है भ्रांति की। भ्रांति मतलब विपरीत समझ लेना, मिथ्या ज्ञान हो जाना। भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वान अवस्थी तत्वानी, भ्रांति आती है। भ्रांति क्या होती है? योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना। अब विपरीत समझना का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं अभी तक ठीक था, मेरे शरीर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कल से मैंने प्राणायाम चालू किया, मुझे चक्कर आने लगे, या फिर मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, मेरे पेट में दर्द होने लगा, मतलब निष्ठ की जगह अनिष्ट होने लगा, वो ऐसा मान ले और उसके साथ हो भी, पर वो योग से हुआ, वो प्रूफ नहीं है उसके पास, वो पहले से ही बुरे कर्म कर रहा था, वो बुरे कर्मों के जो फल थे कम शुरू होने हो गए, कर्म जो कि वो तो भोगना पड़ेगा, योग उन कर्म संस्कारों को कम करता है। कर्म संस्कारों को कम करना है तो जो कर्म फल आपने कर दिए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे निश्चित। जैसे ही आपने योग स्टार्ट किया करना, रोग आया शरीर में, आपने भ्रांति बना ली कि योग करने से रोग हो गया, जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि आपने जो काम किया पहले से वो उसका फल दे रहा है अभी आपको। तो जैसे ही आप, आपकी बॉडी, आपका माइंड ऐसा सोचता है कि यार योग किया तो ही बीमार पड़ गया, पहले तो ठीक था, तो मतलब योग ही करना बेकार, वो है भ्रांति दर्शन, विपर्य ज्ञान, विपरीत समझना अपने योग को। और नया विपरीत नहीं समझना, भ्रांति को एक शब्द में विपरीत समझना आप याद कर लो। भ्रांति दर्शन इज इक्वल टू विपरीत समझना, भ्रांति दर्शन इज इक्वल टू मिथ्या ज्ञान हो जाना, बस ये दो चीजें याद कर लो बस। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम हॉल में, इसमें मैंने देखा है। बात आती है आठवें की। आठवां है आलब्ध भूमिकत्व। पिछली क्लास में क्विज ले रहा था तब बताया था, आलब्ध में उपलब्ध लिखा हुआ है, आलब्ध में उपलब्ध लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है, अपनी दृष्टि बढ़ाइए, आलब्ध में उपलब्ध को देखिए। अच्छी साधना आपने कर ली, साधना करने के बाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है मतलब जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, स्थिति ही प्राप्त नहीं हो रही। इतने दिनों से योग कर रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं आ रही, उपलब्धि नहीं हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही। आलब्ध में ही उपलब्ध छिपा हुआ है और उपलब्ध में ही स्थिति का प्राप्त ना होना छिपा हुआ है। योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना आलब्ध भूमिकत्व है। तो उपलब्ध भूमिकत्व क्या है? प्राप्त होना। इससे साधक का उत्साह कम हो जाएगा। जब आपको, यार मैं आपको कहता हूं 5 घंटे योगा करो, 1 महीना आपको फल मिलेगा, आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आपका उत्साह निश्चित ही कम हो जाएगा। डेली डेली आप योगा कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा आपको, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा ना। तो आलब्ध से उपलब्ध याद रख लीजिए आप सभी। बहुत बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी पूछूंगा देखना, आलब्ध में और अनवस्थी में कंफ्यूज हो जाओगे। अनवस्थी तत्व, अनवस्थी में बात आती है स्थित तत्व की। ठीक है, अनवस्थी तत्व में बात आती है स्थित तत्व की। एक स्थित तत्व है, स्थित तत्व मतलब क्या? चित्त आपका स्थिर ही नहीं,
अनावस्थित तत्व में स्थित वर्ड आ रहा है लास्ट का, इसमें ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। स्थित तत्व किसका स्थित तत्व नहीं है? चित्त का। चित्त की स्थिति का ही अनिस्थित्व है, समझ? मतलब योग साधना से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, आपका चित्त स्थिर ही नहीं है, अस्थित है, चंचल सर। हाँ, चंचल होना, ज्यादा चंचल होना, चित्त का स्थिर ना होना अनावस्थित है। अब बात आती है, हम पढ़ तो लेते, याद क्यों नहीं रहता? ट्रिक दे रहा हूं, इसी स्थित में सारा कुछ छिपा हुआ है। अपने से दो तीन बार अभ्यास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्थित मतलब स्थिर, किसकी स्थिरता की बात हो रही है? चित्त की बात हो रही है। चित्त स्थिर नहीं है मतलब ठहर नहीं रहा है। अलग भूमिगत में उपलब्ध की बात हो रही है, क्या उपलब्ध नहीं हो रही है? योग की स्थिति उपलब्ध नहीं हो रही। प्रांति दर्शन मतलब मिथ्या ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना, समझ आई बात? ये आपके अर्थना है, अंतराय है। फिर एक बात आता है अंतरायों के साथ चलने वाले। अब देखो ये अंतराय है, ये आपके विघ्न है, ये आपके अंतराय है, इनको विघ्न भी बोला है स्टार्टिंग में, बोला है ना, कह दो बोला है। यस सर। जी सर। अंतराय बोला है ना यहाँ पे, इसके पहले विघ्न बोला है ना, अंतरायों का भाव, यहाँ विघ्नों का भाव लिखा है ना, अंतराय इज इक्वल टू विघ्न, ठीक है, अंतराय इज इक्वल टू विघ्न, याद रखना भाई। फिर अंतराय और उपविघ्न, अगर एग्जाम में आ जाता है उपअंतराय, उपविघ्न, विघ्न, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। विघ्न जान लो, विघ्न ही अंतराय है। इन विघ्नों के साथ चलने वाले कुछ उपविघ्न भी होते हैं, उन उपविघ्न को विक्षेप सहभू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो विघ्न? उनके साथ जो चलते हैं विघ्न, मेन विघ्नों के साथ चलने वाले उपविघ्न है ये, दुख है, दौर मनुष्य है, अंग मेजियत है, श्वास प्रश्वास है, विक्षेप सहभूवा, मतलब ये कितने हैं टोटल? पांच। दुख दर मनस्यांग में यत्व श्वास प्रश्वास अभिक्षेप सहभुव, अर्थात दुख होना। किसका दुख होना? तीन प्रकार का दुख होना, दुख है, दौर मनस्य है, अंग में यत्व है, श्वास प्रश्वास है। क्या है ये दुख? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन दुख होते हैं नॉर्मली, आप याद रखो। आगे भी और सारे दुख पढ़ोगे, दुख के और भी टाइप्स हैं। ये मेरा माउस अपने से क्यों चलता है? इस तरह दुख की प्रधानता तीन भेद मानते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होगा? आध्यात्मिक दुख क्या होगा? आध्यात्मिक दुख सवाल आता है, आध्यात्मिक होगा अधिभौतिक अधिदैविक। पहले तो इसको क्लियर कर लो, आधिदैविक, उल्टे से पढ़ो, आधिदैविक। आधिदैविक से याद रखो, आधिदैविक में दैविक रूप से, दैविक रूप से मतलब भूकंप, बाढ़, सर्दी, गर्मी, सारी चीजें जो हो रही है आधिदैविक दुख का कारण। आधिदैविक में जो दैवीय छुपा हुआ है ना, वो दैवीय शक्ति, मतलब कहते हैं ना इंद्र वर्षा कराते हैं, इंद्र क्रोधित हो गए, बहुत वर्षा हो रही है, हे इंद्र चुप हो जाओ, हे इंद्र ठहर जाओ, हमको जाने दो, हमारी पूरी फसल, मतलब उससे याद रखो, दैवीय रूप से जो भी विपदाएं आपको दुख आती हैं वो आदि दैविक कहलाते हैं। फिर बात फिर बात नेचर से, दैवीय से, दैवीय रूप से मतलब नेचर से, ठीक है। अब देखो आदि भौतिक, आदि भौतिक में भूत शब्द छुपा हुआ है, भूत मतलब आपका पंच महाभूत। आदि भौतिक में जो भौतिक छुपा हुआ है वो आपके शरीर की बात हो रही है, मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक। आप योग साधना में बैठे हो, किसी पक्षी ने आकर आपको चोंच मार दी, सिंह ने आपको आकर, वो तो खा ही लेगा, वो तो क्या नुकसान पहुंचाएगा। व्याघ्र, सिंह और व्याघ्र में भी अंतर होता है, ठीक है। सिंह मतलब
शेर जिसको हम जानते हैं, व्याघ्र मतलब बाघ, मच्छर, आप योग करने बैठे हो आपको मच्छर आके काट दिया, वो मच्छर जो काटा वो अति भौतिक दुख हुआ आपको। आप योग कर रहे हो, दूसरे मनुष्य आपको चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, वो आदि भौतिक दुख हुआ। किसी पशु ने, पक्षी ने, व्याघ्र ने, मच्छर ने आपको काटा, आपको पीड़ा उत्पन्न हुई, उस पीड़ा का नाम ही आदि भौतिक दुख होता है। ठीक है, अब बात आती है आध्यात्मिक की। आदि दैविक जान ली, आदि भौतिक जान ली, तो आध्यात्मिक क्या होगा भाइयों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने भी बताए हैं इनके कारण, आपके जितने भी कारण, देखो दो कोष होते हैं, एक आधी और एक व्याधि। ठीक है, तो ये जो आधी है ना, आधी मानसिक रोग को बोलते हैं, व्याधि शारीरिक दोष को बोलते हैं। आधी से ही व्याधि का जन्म होता है। तो ये जो काम क्रोध आदि के कारण आपके इंद्रियों में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण आपके मन, इंद्रियों, शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। आपके गुस्से में आपका कंट्रोल नहीं है, आपके काम में, आपके क्रोध में, आपके मन, मद में, मत्सर में कोई आपका कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? आपको कहा क्रोध मत करो, आप क्रोध कर रहे हो, तो क्या होगा? आध्यात्मिक दुख ही तो बनेगा आपके भीतर। अध्यात्म से संबंधित आपके भीतर की जितनी भी आध्यात्मिक चीजें हैं, उनके कारण आपके मन, इंद्रिय, शरीर में पीड़ा होना। जैसे कि काम होता है, क्रोध होता है, और क्या चीज होती है, और क्या करते हैं हम? आलस्य, आलस्य हो गया, और बताओ। कुछ याद नहीं आ रहा? चंचलता, चंचलता, और बताओ। दुखी होना, मिथ्या ज्ञान दुखी होना, होना, वो तो दुखी होना ही तो पीड़ा है। वो हो क्यों रहा है दुखी होना? क्यों हो रहा है दुखी? कारण क्या था? आलस्य था, और क्या था? अभिरति, जितना कुछ पढ़े हो ना इसके ऊपर, हाँ ये सारा कारण हो सकता है उसका। इसके कारण जो आपके चित्त में आध्यात्मिक दुख होगा है ना, वो ही होगा आध्यात्मिक दुख। समझ आई चीजें? सर, इसे आध्यात्मिक क्यों कह रहे हैं? मतलब और सबका तो समझ में आ गया, बट इसका थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। ये बताओ, मच्छर आपको काट रहा है, आध्यात्मिक दुख बोलोगे इसको? नहीं सर, वो तो ठीक है, बट इसे अध्यात्म क्यों कह रहे हैं? अध्यात्म के रास्ते में ये बढ़ने नहीं देते आपको। आपको आपकी काम इंद्रिय पे ही विजय नहीं है, आप साधना करने बैठे हो, कैसे करोगे? आपको आपके मन पर ही कंट्रोल नहीं है, चित्त पर ही कंट्रोल नहीं है, तो अध्यात्म क्या, अध्यात्म के राह पर क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो सर, इसमें अध्यात्म मन चित्त बुद्धि की के स्थिरता की बात सहायता करता है, चित्त स्थिर ही नहीं है, मन अशांत है, अध्यात्म की राह में दुखी हुआ ना। समझ रहे हो? सर, तो इसमें किन किन चीजों से उत्पन्न होने वाले दुखों को लेंगे? लाइक मन बुद्धि चित्त अहंकार बस। आध्यात्मिक दुख, चलो इसको मैं नॉर्मली जो आप समझ रहे हो उसको समझो, फिर मैं और आपको आध्यात्मिक दुख के एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली आपको इसे किताब में आपको यही देखने को मिलता है, और भी होगा इसका वर्णन। ठीक है, इसमें इतना बहुत फंसना नहीं है। चलो आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, मुझे बताना। ठीक है, ये हो गए दुख। इसमें ठीक है, सर कह सकते कि मानसिक रूप से जो हम जहां पे डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टरबेंस जो होती है, क्योंकि काम क्रोध से तो हमारे मन पे, चित्त पे काम करता है, और जैसे कि आदि भौतिक है पंच महाभूत से, तो वहां हमारे शरीर पे चोट होता है, थोड़ी देर मच्छर काटा, फिर हम मच्छर को हटा के फिर से काम में लग जाते हैं, या जो भी चीज उसके लिए ट्रीटमेंट करके कर ले रहे हैं। और भूकंप, बाढ़, या जो इन सब जो प्राकृतिक आपदा जो है, उनसे भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनल रूप से डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल मानसिक शांति की बात है यहाँ पे, है ना। आध्यात्मिक दुख मतलब मानसिक शांति ना होना। जो भी मानस पटल को आपके विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, वो सारे आध्यात्मिक दुख में आएंगे।
मन में उदासी का भाव आना, हाँ वो आध्यात्मिक दुख का कारण, आध्यात्मिक दुख है। जी ठीक है, समझ में आया नहीं? अब दौर मनुष्य क्या है? दौर मनुष्य मेरे एग्जाम में आया था, आपको रसगुल्ला नहीं मिला, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जो मन में क्षोभ उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, वो ही दौर मनुष्य है। आपको योगा करने बोला, आपको योग का योग पूर्ण नहीं हुआ आपका, आपने बहुत योग का अभ्यास किया, योग की पूर्ति ही नहीं हो रही है, तो जो मन में विकार आपके आ रहा है ना, वो दौर मनुष्य कहलाएगा। ठीक है, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर मन में जो क्षोभ होता है वही दौर मनुष्य कहलाता है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, आपको कुछ आपकी इच्छा हुई मुझे वहां जाना है, आप वहां नहीं जा पाए, ये गोवा का ट्रिप हुआ था, गोवा नहीं जा पाए, मन में जो क्षोभ आएगा वो दौर मनुष्य कहलाएगा। अंग में जियत्व, अंगम ये जियत्व, शरीर के अंगों में कंपन का होना, कांपना, शरीर का कांपना, शरीर के अंगों में कंपन होना ही अंगमेजियत्व कहलाता है। ठीक है, अंगमेजियत्व में ही कंपन छिपा हुआ है। अब श्वास प्रश्वास ये कैसे विक्षेप हो सकते हैं? साधना में श्वास और प्रश्वास कैसे विक्षेप हो सकते हैं, मुझे कोई बताइए। श्वास प्रश्वास तो अच्छी चीज हुई ना, सर, श्वास लेने या छोड़ने में अगर तुम्हें कोई कठिनाई हो रही है, ठीक से हम इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो हो सकता है। और सर हम अगर श्वास ले रहे हैं, अगर नाक की वजह से हम मुख से श्वास ले रहे हैं, एक श्लोक में बताओ इसको, तो श्वास प्रश्वास विक्षेप कैसे हुआ मेरे भाई? सर बिना इच्छा के बाहर की वायु को अंदर लेना ही श्वास। अरे तो लिखा है इसमें, इसको पढ़ के क्यों बता रहे हो, तो मैं भी पढ़ लूंगा, कैसे हुआ, क्यों बोल रहे हो, सोच लिए, और सोचो थोड़ा सा, और प्रेशर दो, दिमाग को तोड़ मरोड़ दो एकदम, अपने सोचने की क्षमता, अपना कॉग्निटिव माइंड बढ़ा लो थोड़ा सा। श्वास प्रश्वास को अगर उपविक्षेप बोल रहा है यहाँ पे, तो चले बातें चले चित्तम ही होगा ना मेरे भाई, चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक आपके प्राण में आपके कंट्रोल नहीं है, चित्त स्थिर कैसे होगा, होगा क्या? नहीं सर। उसी कॉन्सेप्ट को लाकर यहाँ रख दिया गया है। सारे योग दर्शन अपने आप में कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बनाते, वो आपस में ही अपने अपने विचारों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। आपको समझना है इन्होंने कैसे रखा। श्वास प्रश्वास को चले वाते चले चित्तम के रूप में आपको बताया है। श्वास मतलब जो भी आपने श्वास भीतर ली उस पर कंट्रोल ना होना, वो श्वास का विघ्न है। जो भी श्वास आपने बाहर रोकनी थी या बाहर नहीं रोक पाए, वापिस से वो अंदर आ गई, वो प्रश्वास का दुख है। ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, विक्षिप्त में होते हैं अर्थात क्षिप्त मूल विक्षिप्त। चित्त की जो भूमि थी तीसरे नंबर की एकाग्रता वाली, एकाग्रता करने बैठे हो, एकाग्रता वाले स्थिति में आएंगे सारे दुख। ठीक है, इसको इसलिए विक्षिप्त में ही बोला गया, विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना इस चीज को। विक्षेप सहभू विक्षिप्त चित्त में ही उत्पन्न होते हैं, समाहित चित्त में उत्पन्न नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से, विक्षेप सहभू क्यों कहते हैं, विक्षेप सहभू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विक्षिप्त अवस्था में, जो चित्त की जो विक्षिप्त भूमि है उसमें ही जन्म लेते हैं। मैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाता हूँ तो जरूर बनाता है यहाँ से, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे। मैं एग्जाम में बनाता क्वेश्चन, ये जो उपविक्षेप है, पहले तो विक्षेप और उपविक्षेप में कंफ्यूज होते बच्चे। उपविक्षेप की जो दुख होते हैं चित्त की किस भूमि में होते हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र, सारे के सारे बच्चे निपट गए होते हैं इसमें। बोलो हाँ सही बात है सर, अभी आप समझा रहे हो इसलिए समझ में आ रहा है, वरना हम भी निपट गए थे, है ना सही बात? यस सर। चलो कोई भागना नहीं, प्रश्नोत्तर होंगे, प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है रंजीता जी। यस
मैं योग साधना कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, करने पर सिद्ध होगा या नहीं होगा, क्या है ये? आंसर सर, संदेह। बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया। मेरा योग करने की इच्छा ही नहीं हो रही, प्रगेश जी क्या है ये? प्रगेश जी क्या है ये बताइए? तो मेरे चित्त में स्थिरता, मेरा योग करने की इच्छा ही नहीं हो रही ना। चंदन मेरा योग करने की इच्छा ही नहीं हो रही। योग करने की इच्छा ही नहीं हो रही चंदन मेरी। कौन सा विक्षेप है? सत्यान। बहुत बढ़िया चंदन बाबू, करने की इच्छा नहीं हो रही। इच्छा ना होना अर्थात अकर्मण्यता। समझ आया? यस सर। अगला प्रश्न, विषयों में तृष्णा बनी हुई है। नेहा जी आपकी विषयों में तृष्णा बनी हुई है, क्या है ये? तृष्णा बनी हुई है नेहा ढींगिया जी आपकी विषयों में, कौन सा विक्षेप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी प्रतिबंधक वश समाधि में भूमि को ना पाना, समाधि में ना पहुंच पाना, क्या है? समाधि में पहुंच ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्या होगा ये? प्राणायाम कर रहा हूं, 3 मिनट तक श्वास भीतर रोकने में असमर्थ हो पा रहा हूं मैं। श्वास रोकना तो खैर वो श्वास पर श्वास में चला जाएगा, प्राप्त ना होना, एक स्थिति प्राप्त ना होना क्या कहलाएगा? निशु जी बताइए। निशु चौहान आप हो कि नहीं हो? माइक ऑन करके बता दो कि हम हैं या नहीं है भाई, टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया। राजकुमारी राजपूत आप योग कर रहे हो लेकिन आपका मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन आपका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं है, ठहर ही नहीं रहा आपका माइंड, क्या है अभी स्थिति आपकी? सर आलस्य। आप मेडिटेशन करने बैठे हो, आप मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हो तो कौन सी स्थिति होगी वहां पे, बताओ जल्दी। मेडिटेशन के लिए, बहुत बढ़िया, मेडिटेशन के लिए स्थिरता की आवश्यकता है, स्थिरता नहीं है तो क्या है वो? चित्त की एकाग्रता नहीं है मतलब स्थिरता नहीं, स्थिरता किसमें बात होती है? अनावस्थी तत्व में। अच्छा ओके सर। आपको रसगुल्ला नहीं मिला मृदुला जी तो कौन सा दुख उत्पन्न होगा? रसगुल्ला चाहिए था आपको, रसगुल्ला की इच्छा थी आपकी, रसगुल्ला नहीं मिला तो क्या होगा आपको? कौन सा दुख होगा? क्या होगा? दौर्मनस्य। कैसे होगा दौर्मनस्य? मन का शोभ दुख दौर्मनस्य हो गया। रसगुल्ला चाहिए था आपको, रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, रसगुल्ला नहीं मिला, क्या उत्पन्न होगा वहां पे? दौर्मनस्य होगा ना, मन में क्षोभ उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है कृष्णवी जी आपको? कृष्णवी जी आर यू देयर? यस आई एम हियर सर। जी सर।
कृष्ण भी जी आप साधना में बैठे हो, साक्षात्कार कर रहे हो, ईश्वर का साक्षात्कार करने से पूर्व ही समाधि आपकी छूट गई, क्या हुआ आपके साथ? ईश्वर का साक्षात्कार होने से पहले ही समाधि आपकी छूट गई, क्या हुआ आपके साथ? दुख बताइए, वो वहां पे मत जाइए अभी। ध्येय का साक्षात्कार करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना, मेगा पाठक बताइए। नहीं समझ में आ रहा सर, बता दो तो मैं फिर बताऊं। रंजीता जी माइक ऑन करके बताइए। सर वो उसमें हम स्थित नहीं रह पाए, स्थिर नहीं, समाधि से पूर्व ही स्थिति वो छूट गई, तो वो यही आएगा नवस्थिति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्थिर नहीं हो पाए ना, समाधि छूट गई आपकी, तो आप किसमें थे? अनवस्थित तत्व में थे। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। चलो बताओ क्लास समझ में आई कि नहीं बताई, अपना फीडबैक फटाफट दे दो और फिर चलो चले बाय। फीडबैक देके जाना 22 के 22। देखो पूजा जी चली गई, समझ में आया कि नहीं आया, जो भी था जैसा था बताओ। सर आपने अभी बोला ना समाधि छूट गई है ना, यानी कि समाधि की अप्राप्ति वाला, तो वो तो अलग भूमिकत्व में आता है सर। छूट जाना मतलब समाधि लगाए हुए थे, चित्त न ठहरने के कारण आपका ध्येय मतलब परमात्मा की प्राप्ति करते करते आप वहां से हट गए, मतलब आपको उसके पहले ही समाधि आपकी टूट गई, छूट गई समाधि, स्थित नहीं हो पाए आप वहां, उपलब्ध होने नहीं आएगा वहां पे, किसी वस्तु का उपलब्ध होने की बात नहीं हो रही है वहां पे, उपलब्ध ही नहीं, पहुंच ही नहीं पा रहे उस स्थिति को कि जहां हम चित्त स्थिर नहीं है ना, इसलिए तो हुआ होगा वो। फीडबैक दीजिए फिर चलते हैं। ओके सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए नेहा जी, वेलकम। हाँ सर, एक्चुअली मतलब आपने मेरा कई बार नाम बुलाया है, मैं थोड़ा लेट आती हूँ, एक्चुअली मेरा बेबी है ना वो शोर करता है, तो मैं उसको थोड़ा शांत करके फिर रिप्लाई करती हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। ये रिकॉर्डिंग ऑफ है कि ऑन है पता नहीं। ऑन है अभी तो, ऑन है, ऑन है। रजिता जी इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही है क्या? अच्छा चलिए, सभी को धन्यवाद।